हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी ब्लॉक्स एजुकेशन। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो ध्यान से इनको देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट क्या है? तो यहाँ पर यूनिसिस्ट क्या है, इसका आप आंसर दीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। तो यूनिसिस्ट एक प्रोग्राम है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कब बना था? ये बना था 1971 में, 1971 में यूनिसिस्ट को बनाया गया था। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मॉडर्न आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑथर्ड बाई, यानी कि एक ये जो मॉडर्न आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन था, इसको किसने ऑथर्ड किया था, यानी किसने लिखा था? तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर होगा जैक मिल्स। तो जैक मिल्स ने इसको लिखा था, और कब लिखा था? ये लिखा था 1960 में, यानी कि 1960 इसका पब्लिशिंग ईयर हो गया। तो इसके पब्लिशर कौन थे? इसके पब्लिशर थे चैपमैन एंड हॉल। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी ऑफ इंटरलिंगुअल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिक्शनरी पब्लिश्ड बाय, यानी कि बिब्लियोग्राफी ऑफ इंटरलिंगुअल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिक्शनरी कौन पब्लिश करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा यूनेस्को। इसका आंसर है यूनेस्को। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये यूनेस्को द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये स्टार्ट किया गया था 1953 में, यानी 1953 में इसको पेरिस में स्टार्ट किया गया था। तो इसके ऑथर कौन थे? इसके ऑथर हैं जॉन एडविन हॉलस्टॉप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवार्ट विल इज़ द फर्स्ट लाइब्रेरी बिल पास्ड इन 1850 इन, यानी एवार्ट विल था जो पहला लाइब्रेरी बिल था, जो 1850 में पास हुआ था, ये किस देश में पास हुआ था? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके में पास हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इसको विलियम एवार्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस बिल का टाइटल क्या था, इसको भी देख लेते हैं। इस बिल का टाइटल था एन एक्ट फॉर एनेबलिंग टाउन काउंसिल्स टू इस्टेब्लिश पब्लिक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन वाज हेल्ड एट, यानी पहली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन पे, वो कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे देखिएगा, ये हुई थी कैम्ब्रिज में। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो ये कैम्ब्रिज में हुई थी, कौन सी ईयर में? 1979 में, यानी 1979 में ये कैम्ब्रिज में हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, इसको भी हम देख लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन, आर न्यू अप्रोचेज नीडेड। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिवाइज द स्कीम ऑफ प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम नोन एज रिलेशनल इंडेक्सिंग, यानी कि रिलेशनल इंडेक्सिंग किसने डिवाइस की थी, स्कीम किसने डिवाइस की थी? तो इसका आंसर होगा JEL फेराडेन। तो इन्होंने रिलेशनल इंडेक्सिंग को डिवाइस किया था, यानी बनाया था। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं हम। तो इसको कब बनाया था इन्होंने? इसको बनाया था 1950 में, 1950 में इन्होंने JEL फेराडेन ने रिलेशनल इंडेक्सिंग बनाई थी। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन टुडे एंड टुमारो वाज द न्यूज़ लेटर ऑफ, यानी इन्फॉर्मेशन टुडे एंड टुमारो जो न्यूज़ लेटर है, वो कौन प्रकाशित करता है, यानी कौन पब्लिश करता है? तो इसका आंसर होगा निसैट। तो निसैट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निसैट का पूरा नाम है नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में ISKO भी कहते हैं, ये कब बना था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1989। तो 1989 में ये बना था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो इसको वॉज फाउंडेड इन जर्मनी, यानी ये जर्मनी में बना था, लेकिन सिंस 2020 इसको टोरंटो कनाडा में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी लेटेस्ट न्यूज है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन क्वाइन द टर्म इन्फॉर्मेट्रिक्स, तो इन्फॉर्मेट्रिक्स जो टर्म थी, किसने क्वाइंट की थी?
तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आप सोचिए। तो इसका आंसर होगा ऑटोनेक। तो ऑटोनेक ने इन्फॉर्मेट्रिक्स टर्म को कॉइन किया था। तो इसके बाद देखते हैं कब कॉइन किया था इसको। तो इन्फॉर्मेट्रिक्स टर्म को इन्होंने कॉइन किया था 1979 में, यानी 1979 में। तो और भी थोड़े रिलेटेड टर्म्स हैं इससे जो इससे पहले आए थे, तो उसको देख लेते हैं। जो लिब्रामेट्री टर्म था, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया हैं, इन्होंने 1948 में इसको कॉइन किया था। देन उसके बाद बिब्लियोमेट्रिक्स, इसको एलन पिटचार्ट ने 1969 में कॉइन किया था। और उसके बाद है साइंटोमेट्रिक्स, इसको ट्री ब्रोनिन ने 1977 में कॉइन किया था। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच बिब्लियोमेट्रिक लॉ डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाई ऑथर्स इन ए गिवन फील्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा बिब्लियोमेट्रिक लॉ है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन किसी ऑथर की दर्शाता है, यानी उसको डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लोटकाज लॉ। तो लोटकाज लॉ क्या था, लोटकाज लॉ को प्रपोज किया था अल्फ्रेड जे लोटका ने 1926 में, यानी 1926 में अल्फ्रेड जे लोटका ने लोटकाज लॉ बनाया था या दिया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिमार्क। यूनिमार्क वाज डेवलप्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, यानी यूनिमार्क को किसकी छत्रछाया में बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा इफ्ला, यानी इफ्ला ने इसे यूनिमार्क को डेवलप किया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनिमार्क बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट फर्स्ट क्रिएटेड एंड प्रपोज बाई इफ्ला, यानी इफ्ला ने इसको सबसे पहले बनाया था, इसको प्रपोज किया था। उसको कब प्रपोज किया था, 1977 में, 1977 में इसको किया था। कौन से टाइटल के साथ, इसका टाइटल था यूनिमार्क, यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आप सोचिए, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कैट इज मेंटेन्ड बाई, तो वर्ल्ड कैट को कौन मेंटेन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा OCLC। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड कैट को कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1998 में, ये एक यूनियन कैटलॉग है। तो इसको किसने बनाया था, OCLC ने। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो OCLC कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 1967 में, किसकी लीडरशिप में, फ्रेड किलगोर की। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जे स्टोर इज ए ऑनलाइन सिस्टम फॉर आर्काइविंग एंड एक्सेसिंग एकेडमिक जर्नल्स, इट इज़ लोकेटेड इन। यानी जे स्टोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जो एकेडमिक जर्नल को एक्सेस करने के काम आता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है USA में। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो जे स्टोर क्या है, जे स्टोर एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो 1995 में न्यूयॉर्क में बनाई गई थी, यानी इस्टेब्लिश की गई थी न्यूयॉर्क में 1995 में। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था एंड्रयू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पब्लिशर्स वीकली इज पब्लिश्ड बाय, यानी जो पब्लिशर वीकली एक मैगजीन है, इसको कौन पब्लिश करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर बॉकर लंदन, यानी ये लंदन में पब्लिश होती है आर बॉकर के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था 1872 में, 1872 में फ्रेडरिक लेपोर्ट ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन 1884 के बाद, उनकी डेथ के बाद, इसको आर बॉकर कंपनी ने ओन कर लिया था इस मैगजीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यानी विनीति वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। तो देख लेते हैं इसके फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर नेस्मेनोव, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है मॉस्को में, यानी रूस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेट बाई, तो जो बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का आइडिया था, यानी बिब्लियोग्राफिक कपलिंग थी, सबसे पहले किसने दी थी। इसका आंसर होगा M.M. केसलर। तो M.M. केसलर के ने इसको बिब्लियोग्राफिक कपलिंग को दिया था। तो इसके बारे में देखते हैं। M.M. केसलर गिव द आइडिया ऑफ बिब्लियोग्राफिक कपलिंग इन 1963। इन्होंने 1963 में बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का आइडिया दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया कि बिब्लियोग्राफिक कपलिंग होती क्या है।
तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे दो पेपर हैं, ए और बी, तो अगर वो दोनों पेपर किसी तीसरे पेपर सी को अपने पेपर में रेफरेंस लिस्ट में साइट करते हैं, तो वो दोनों पेपर ए और बी आपस में बिब्लियोग्राफिक कपल्ड होंगे। तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्लियरली समझा दूंगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि बिब्लियोग्राफिक कपलिंग क्या होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन द एक्सेशन रजिस्टर। जो लाइब्रेरी एक्सेशन रजिस्टर होता है उसमें कितने कॉलम होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 14, यानी 14 कॉलम होते हैं उसमें। तो ये आप इमेज देख सकते हैं एक्सेशन रजिस्टर की, कि इसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं। तो इसके अलावा आप अगर जब सामने से आप देखेंगे उसको तब ज़्यादा आपको सही से दिखेगा, हालांकि पिक में पूरा नहीं है। तो अभी आप इतना देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि उसमें 14 कॉलम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस फर्स्ट। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम था, सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1932। 1932 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बुक चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है? बुक चार्जिंग सिस्टम में होता है जब कोई यूज़र कोई बुक इशू कराने आता है या कोई बुक बोरो करता है, तो वो क्या करता है कि अपना कार्ड वहाँ पे लगाता है स्लॉट में। उसके बाद जो डिटेल्स होती है उसके कार्ड से वहाँ पे सेव हो जाती है, ताकि उसकी पूरी डिटेल सेव हो जाती है कि कौन सी बुक कौन सा यूज़र ले गया है। जब वो वापस करने आता है तो दोबारा कार्ड लगा के अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो उसके में सेव हो जाती है कि हाँ इस यूज़र की बुक वापस हो चुकी है। तो ये पूरी डिटेल लगता था। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था गैलॉर्ड ब्रदर्स ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन DDC कॉल नंबर 370 डिनोट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 370 कहा है, 370 नहीं कहा है, तो 370 ही पढ़ा जाता है। DDC के कॉल नंबर को हमेशा अलग अलग ही पढ़ा जाता है। तो ये देखते हैं कि कॉल नंबर किसका है। तो 370 किसका कॉल नंबर है? ये है एजुकेशन का। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए DDC की इमेज है। तो इसमें देखिए 370 एजुकेशन का नंबर है। उसके बाद इसके काफ़ी सब डिवीज़न भी हैं, 371, 372, तो उनको भी देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए लिखा है अनअसाइंड 376 और 377 पे अनअसाइंड लिखा है। तो इसका मतलब है कि अभी ये नंबर किसी को असाइंड नहीं हुए हैं, यानी कोई नया सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे अपने रूल्स के मुताबिक। तो आगे देखते हैं, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो जिसको हम SLSH भी कहते हैं, तो ये इसको किसने पब्लिश किया था? तो इसको क्या था? SW विल्सन ने पब्लिश। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको 1923 यानी 1923 में पब्लिश किया गया था। तो ये क्या है? ये एक वोकेबलरी कंट्रोल टूल है जो स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरी में यूज होता है, जिसकी कलेक्शन आपको 20,000 बुक्स तक होती है। अगर लार्ज लाइब्रेरी है तो उसके लिए कौन सा यूज होता है? उसके लिए यूज होता है LCSH यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।